नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार सारे देश के विपक्षी पार्टियों से मुलाकात करते रहते हैं। तो वहीं पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि चले कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट जारी किया और ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक साथ नजर आए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। तस्वीरों के साथ हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ललन सिंह से मुलाकात हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात कहा है और इसके साथ साथ ट्वीट भी जारी किया। हम आपको बताते चले कि जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को तेज करने के लिए सबसे पहले दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां पर कई सारे कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। और विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से मिले थे, यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, जहाँ पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल भी गए और उसके बाद लखनऊ भी गए। ये तमाम जो मुलाकात हुई, इसके बाद अब जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से हुई है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा है, लेकिन जब से हेमंत सोरेन और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात हुई है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर है। और इसके बाद अब जो है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ जेडीयू के तमाम नेता उनकी इस मुहिम में शामिल है और देश की तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपना कौन सा दाव खेलती है और विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस बारे में अगर कोई भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।